तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज है मेरे पास ड्यूक 200 2016 का मॉडल है। वहीं रखा है नीचे, यहाँ देख भी सकते हैं आप। ये सॉरी 2012 का मॉडल है, ये 12 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। तो ये आई हाई, इसमें दो कोड आ रहे हैं ईसीओ में, और गाड़ी में मिसिंग है, प्लस एफआई लाइट भी इसकी वाली जो होती है ब्लिंक कर रही है, और जो इसका फ़ैन है वो डार्क चल रहा है। जैसे आप सबको पता है जब यहाँ टेम्परेचर फुल हो जाता है इसमें, तब वो फ़ैन ऑन होता है, इसका नॉर्मली ऑन है और लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है। और मैं इसमें कोड भी दिखा देता हूँ, तो एक बार कोड चेक कर लेते हैं इसके। ये देख सकते हैं आप P0118 और P0123 दो कोड भी हैं इसमें, और इस गाड़ी में मिसिंग है, प्लस इसका जो फ़ैन है यहाँ लगा होता है, ये डायरेक्ट चल रहा है। तो अभी फाइनली चेक करने के बाद पता लगा इसका ईसीओ ख़राब है। तो कभी भी ऐसा कोई कोड आते हैं तो एक बार ईसीओ लगा के हमेशा देख लें, और मैं एक बार आपको ईसीओ लगा के चेक भी करा देता हूँ। ये लाइट भी ब्लिंक होनी बंद हो जाएगी और इसका फ़ैन भी नॉर्मल ही चल रहा है। एक बार पहले स्टार्ट करके ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं जैसे ही गाड़ी ऑन की वहाँ फ़ैन ऑन हो गया। और अभी लगा लेते हैं एक बार दूसरा ईसीओ, फिर चेक कराता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी मैंने इसका ये ईसीओ निकाल दिया है, गाड़ी में ही लगा है, ये अपना वाला ईसीओ एक बार लगा दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये लाइट भी ब्लिंक होनी बंद हो गई, और यहाँ कूलेंट का टेम्परेचर भी शो होने लग गया जो पहले शो नहीं हो रहा था, और अभी ये लाइट भी बंद हो गई। और एक बार कोड देख लेते हैं इसमें दोबारा मेरे वाले ईसीओ में। तो ये पुराने कोड हैं, इसको कर देते हैं एक बार इरेज। ये मैंने अभी डिलीट कर दिए, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अभी एसी बंद हो गई गाड़ी है, रीड कोड में जाके यहाँ देख सकते हैं, एक बार दोबारा चेक करता हूँ। नो कोड, कोई भी कोड नहीं है गाड़ी में, और यहाँ भी कूलेंट का ये टेम्परेचर शो होने लग गया, लाइट भी बंद हो गई, गाड़ी की मिसिंग भी ख़त्म हो गई, और जो इसका फ़ैन चल रहा था डायरेक्ट वो भी बंद हो गया। अब जैसे टेम्परेचर गाड़ी का 96 डिग्री होगा तभी ऑन होगा। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो ये ईसीओ हमेशा चेक कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।